नमस्कार बच्चों, अपना जो पहला लेसन चल रहा है साझेदारी का सामान्य परिचय, उसमें अपना टॉपिक चल रहा था आरण पर ब्याज। इसकी हमने दो विधियां करी थी, एक तो सामान्य विधि नंबर दो पे गुणनफल विधि। ये दो विधि अपनी हो चुकी है, अभी अपनी तीसरी विधि है औसत अवधि विधि। औसत अवधि विधि, औसत अवधि विधि का प्रयोग उसी दशा में किया जाता है जब कोई साझेदार प्रत्येक महीने समान राशि से और एक ही तिथि को आरण करता है। प्रत्येक महीने आरण करेगा, राशि भी समान होगी। जैसे मान लो पहले महीने 5000 का आरण किया, तो दूसरे महीने भी वो क्या करेगा, 5000 का, फिर 5000 का, फिर अगले महीने 5000 का, ऐसे वो आरण करेगा। एक ही तिथि को करेगा, जैसे पहले दिन किया मंथ के, तो पहले दिन करेगा प्रत्येक महीने, अगर मध्य में किया तो मध्य में करेगा, या अंत में किया तो अंत में करेगा, और कंटिन्यू करेगा। कोई भी मंथ है वो बीच में छोड़ेगा नहीं। तब आप इन दो विधियों के अलावा औसत अवधि विधि का प्रयोग भी कर सकते हो। औसत अवधि विधि का प्रयोग करने के लिए आपके सामने तीन सिचुएशन आएगी। एक आ सकती है नंबर एक, जब कोई साझेदार प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को आरण करे, जब कोई साझेदार प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को आरण करे, मान लो अपना साल 1 अप्रैल को शुरू हुआ, 1 अप्रैल 2018, तो ये समाप्त होएगा 31 मार्च 2019 को, और प्त्येक महीने आरण करे वो। जैसे मई अप्रैल में करे 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को, फिर 1 मई को, फिर 1 जून को, फिर 1 जुलाई को, फिर 1 अगस्त को, फिर 1 सितंबर को, ऐसे करके वो प्रत्येक महीने आरण करेगा। तो लास्ट जो आरण करेगा वो कब करेगा, प्रथम दिन करेगा, तो वो 1 मार्च को कर लेगा, 1 मार्च 2019 को। यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को आरण करे, तो उसके कुल आरण पर 6.5 महीने का ब्याज लगाया जाएगा। यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को आरण करे, तो उसके कुल आरण पर 6.5 महीने का ब्याज लगेगा। तो ब्याज का सूत्र क्या होएगा, आरण पर ब्याज बराबर आरण की कुल राशि इंटू ब्याज दर बटे में 100 इंटू 6.5 बटे में 12। जब कोई साझेदार प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को आरण करे, तो उसके कुल आरण पर 6.5 महीने का ब्याज लगेगा। कुल आरण का अर्थ ये हुआ प्रत्येक महीने कर रहा है, मान लो आरण कर रहा है 5000 रुपये का, तो इसका कुल आरण 5000 रुपये नहीं हुआ है, इसका कुल आरण हो गया, क्योंकि ये तो प्रत्येक महीने कर रहा है, साल में महीने 12 होते हैं, तो इसे 12 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी उसने कुल आरण है वो 60000 रुपये का किया है। कुल आरण है वो कितने का किया है, 60000 का। तो आरण पर ब्याज की राशि, यहाँ पे कुल राशि आएगी, यानी 60000 रुपये आएंगे। मान लो कोई किसी फर्म में ये एक साझेदार है,
ये साझेदार है जो प्रत्येक महीने प्रथम तारीख को 5,000 रुपये का आहरण करता है। कुल आहरण कितना हो गया? प्रत्येक महीने 5,000 रुपये और प्रथम तारीख को करता है तो उसका कुल आहरण हो गया 5,000 × 12 यानी कुल आहरण उसका 60,000 रुपये का हो गया। कुल आहरण कितना हो गया? 60,000 का। तो आहरण की कुल राशि होगी 60,000 रुपये। यहाँ पे आएंगे 60,000। अब आएगा ब्याज दर बटे 100। ब्याज दर अपने मान लेते हैं इसमें कि ब्याज दर आपको 6% दे रखी है। ब्याज दर बराबर 6% वार्षिक, तो ब्याज दर आ गया 6% बटे में 100 इंटू 6.5 महीने का लगेगा तो इंटू 6.5 बटे में 12। तो जब कोई साझेदार प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को आहरण करता है तो उसके कुल आहरण पर 6.5 महीने का ब्याज लगाया जाता है। तो आहरण पर ब्याज का फॉर्मूला हो गया आहरण की कुल राशि, तो प्रत्येक महीने जो आहरण है वो कितना है? 5,000 रुपये हो गया, ठीक है। और कितने महीने तक किया उसने? पूरे साल कर रहा है प्रत्येक महीने, तो पूरे साल करेगा तो 12 से इसे गुणा करेंगे तो टोटल आहरण अपना हो गया 60,000 रुपये। तो आहरण की जो कुल राशि आ गई वो 60,000 रुपये। ब्याज दर मान लेते हैं कि 6% वार्षिक दे रखी है तो कितना आएगा? 6/100 और 6.5 महीने का लगाना है तो 6/6/12। अब इसे निकालेंगे, 6 × 6 = 12, 2 0 से 2 0 गए, ये आ गया अपना 300। अब 300 को क्या करोगे? अपने 6.5 से मल्टीप्लाई करोगे। 300 कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 6.5 से, तो ये आएगा अपना 1950 रुपये। कितना आ गया? 1950 रुपये आ गया। तो जब कोई साझेदार प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को आहरण करता है तो उसके कुल आहरण पर कितने का ब्याज लगाना? आपको 6.5 महीने का लगाना है। तो इसे प्रत्येक महीने जो आहरण किया वो कितना किया? 5,000 रुपये का आहरण किया है। तो प्रत्येक महीने 5,000 रुपये और प्रथम तारीख को करे तो फिर आ गया 12×5=60,000 आ गया। तो आहरण की कुल राशि कितनी आ गई? 60,000 इंटू ब्याज दर कितनी आ गई? मान लो 6% वार्षिक दे रखी है तो 6/100 आ गया। महीने कितने का लगाना है? 6.5 महीने का, तो 6.5/12, ये टोटल अपना आ गया 1950 रुपये का। समझ गए? इसी का दूसरा पॉइंट देखो, यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह के मध्य में आहरण करता है अर्थात मान लो वो 15 अप्रैल को करे, फिर 15 मई को करे, फिर 15 जून को करे, फिर 15 जुलाई को करे, ऐसे प्रत्येक महीने करे और लास्ट जाके 15 मार्च को करे, तो हम कहेंगे उसने आहरण है वो प्रत्येक माह के मध्य में किया है। यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह के मध्य में करता है आहरण तो उसके कुल आहरण पर 6 माह का ब्याज लगेगा। यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह के मध्य में आहरण करता है तो उसके कुल आहरण पर 6 माह का ब्याज लगेगा। तो इसे सूत्र रूप में लिखेंगे तो इसका सूत्र होएगा आहरण पर ब्याज बराबर आहरण की कुल राशि इंटू ब्याज दर बटे 100
इंटू 6/12। तो यदि कोई सहदार प्रत्येक माह के मध्य में आरण करता है तो उसके कुल आरण पर 6 महीने का ब्याज निकाल सकते हैं। तो आरण पर ब्याज बराबर आरण की कुल राशि, वो इस सूत्र ले लेते हैं अपने उदाहरण ए बराबर ए ने 5,000 रुपये आरण किया प्रत्येक माह, तो उसका कुल आरण हो गया 5,000 × 12, टोटल आ गया 60,000। तो आरण की कुल राशि कितनी आ गई यहाँ पे अपने 60,000 आ गई। इंटू ब्याज दर वही मान लेते हैं 6% वार्षिक, इंटू 6/100, इंटू 6/12, 6/12 तो अपने ही 6 महीने का मंथ है इसलिए 12 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा अपना 6 को काट देंगे, ये 3 × 2 = 0, 6 × 3 = 18, कितने रुपए आ गए 1800 रुपये। यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह के मध्य में आरण करता है तो कुल कितना ब्याज लगाना है, 6 महीने का ब्याज लगाना है। तो आरण पर जब ब्याज निकालेंगे तो आरण की कुल राशि होगी अपने, वो मान लो प्रत्येक महीने 5,000 का आरण करता है तो 12 महीने में कितना होगा, 12×5 = 60,000 का, तो आरण की कुल राशि आ गई 60,000। ब्याज दर अपने मान लो दे रखे 6% वार्षिक, तो आ गया 6/100, और मंथ कितने का लगाना है 6 महीने का, तो 6/12, तो कुल ब्याज आ गया अपना 1800 रुपये का, ठीक है। अब तीसरा इसमें हो सकता है, यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह के अंत में आरण करे यानी अंतिम तारीख को आरण करे तो उसके कुल आरण पर 5.5 महीने का ब्याज लगाया जाएगा। कुल आरण पर 5.5 माह का ब्याज लगेगा। सूत्र रूप में इसे लिखेंगे, आरण पर ब्याज बराबर आरण की कुल राशि इंटू ब्याज दर 100 इंटू 5.5 महीने का लगाना है तो 5.5/12। तो आरण की कुल राशि ले लेंगे पहले, फिर ब्याज दर 100 और फिर 5.5 महीने का ब्याज लगा देंगे। मान लो वही सवाल, ये प्रत्येक महीने जो आरण करता है वो कितने का करेगा, 5,000 का, कुल आरण हो गया उसका 5,000 × 12, टोटल आ गया अपना 60,000। तो आरण की कुल राशि आ गई अपनी यहाँ पे 60,000 इंटू ब्याज दर वही मान लेते हैं 6% वार्षिक, तो 6/100 इंटू 5.5 महीने का लगाना, तो 5.5/12, 6 × 6 = 12 आ गए। अभी आ गया अपना 2 से ये 300 आ गए और ये आ गया 1650। तो आरण पर ब्याज की राशि आ गई अपनी 1650। तो यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह के अंत में आरण करे तो कुल आरण पर 5.5 महीने का ब्याज लगाया जाएगा। तो आरण पर ब्याज बराबर आरण की कुल राशि इंटू ब्याज दर 100 इंटू
5.5/12 मारण की कुल राशि होगी प्रत्येक महीने 5,000 रुपये हैं तो 12 महीने की होगी 12×5=60,000। ब्याज दर कितनी परसेंट दे रखी है 6%, तो 6/100 और कितने महीने का ब्याज लगाना है 5.5 महीने का तो 5/12 तो कुल आ गया अपना 1650 रुपये। तो ये तीन परिस्थितियाँ होगी जब कोई साझेदार प्रत्येक माह के प्रथम तारीख को आरण करे, प्रत्येक माह के मध्य में आरण करे और प्रत्येक माह के अंतिम दिन आरण करे। तो अगर प्रथम दिन वो आरण करता है तो उसके कुल आरण पर 6.5 महीने का ब्याज लगाना है, मध्य में आरण करता है तो 6 महीने का ब्याज लगाना है और अंत में आरण करता है तो 5.5 महीने का ब्याज लगाना है। अभी आ गया कि अपने जैसे 6.5 और 5.5 लिखे, ये इस अवधि को क्या कहते हैं अपने औसत अवधि कहते हैं। जो 6.5 महीने आए, 5.5 महीने आए और जो 6 महीने आए इसे अपने कहेंगे औसत अवधि। अब ये मायने में आता है कि औसत अवधि आई कैसे है, तो औसत अवधि का भी एक फॉर्मूला होता है जो अभी मैं आपको बताऊंगा बोर्ड पे। औसत अवधि का एक फॉर्मूला था, देखो औसत अवधि किसका फॉर्मूला होता है, प्रथम आहरण के पश्चात शेष महीनों की संख्या प्रथम आहरण के 50 शेष महीनों की संख्या प्लस में अंतिम आहरण के पश्चात शेष महीनों की संख्या बटे में 2। प्रथम आहरण के पश्चात शेष महीनों की संख्या प्लस में अंतिम आहरण के पश्चात शेष महीनों की संख्या बटे में 2। इस तरह से आपकी औसत अवधि निकली है। जैसे अपनी पहली विधि थी, यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह की कि प्रथम तारीख को आरण करें, प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को आरण करें, उसमें अपने लगाया था 6.5 महीने का ब्याज। वो कैसे आया, प्रथम आरण के 50 शेष महीनों की संख्या। मान लो अपना साल 1 अप्रैल को शुरू होता है, 1 अप्रैल 2018 को, वो समाप्त कब होएगा 31 मार्च 2019 को। अब कहते हैं कि प्रथम आहरण के 50 महीनों की संख्या और प्रथम तारीख को आहरण करता है तो पहले महीने जब अप्रैल को आहरण करेगा तो वो 1 अप्रैल को करेगा। कब करेगा, 1 अप्रैल को, और साल अपने 31 मार्च को समाप्त होएगा। इसलिए हमारे पास टोटल कितने महीने बचेंगे, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरे 12 महीने बच गए। तो प्रत्येक, तो इसमें आएगा प्रथम आरण के 50 महीनों की संख्या होगी 12 प्लस में अंतिम आरण के 50 शेष महीनों की संख्या। अंतिम आरण वो करेगा वो मार्च में करेगा, लेकिन कर्ता प्रथम तारीख को है इसलिए कब करेगा, वो 1 मार्च को करेगा। अब 1 मार्च को कर रहा है तो 1 मार्च से 31 मार्च तक कुल महीनों की संख्या कितनी बच गई, 1 बच गई, क्योंकि पूरा मार्च मार्च बच गया हमारे पास, और बटे में क्या लेना है 2, कितना आ गया 6.5 आ गया। तो इस तरह से हमने, यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को आरण करता है तो उसके कुल आरण पर 6.5 महीने का ब्याज लगेगा।
दूसरा फॉर्मूला था अपने पास, यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह के मध्य में आरण करे, तो उसमें हमने निकाला था छह महीने। छह महीने कैसे बने? अब प्रत्येक माह के मध्य में करता है, तो मान लो वो करता है 15 अप्रैल को पहली बार आरण, पहली बार आरण करेगा, मध्यम करेगा तो 15 अप्रैल को करेगा, तो फिर वो अंतिम आरण करेगा 15 मार्च को। अब पहली बार आरण करेगा 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल का मतलब आधा महीना गया, साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 में से आधा महीना गया तो 11.5 बच गया, तो यहाँ पर लिखेंगे अपने 11.5 प्लस में अंतिम आरण कर रहा है वो 15 मार्च को, तो फिर आधा महीना गया, और तो 31 मार्च तक उसका 15 मार्च को कर रहा है, तो आधा महीना ये बच गया, तो कितना आ गया अपना 0.5 बटे में 2, तो ये आ गया अपना 12 बटे में 2, तो कितना उत्तर आ गया 6 माह आ गया। कितना आएगा? 6 माह आएगा। तो यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह के मध्य में आरण करे तो उसका कितना लगाना है? 6 महीने का ब्याज लगाना है। तीसरा अपना था, यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह के अंतिम दिन आरण करे, तो उस पे था अपना 5.5 महीने का ब्याज। अब 5.5 कैसे है वो देखो, प्रथम आरण करेगा, वो प्रथम आरण करेगा तो वो करेगा 30 अप्रैल को, और अंतिम आरण करेगा वो 31 मार्च को, क्योंकि प्रत्येक महीने की अंतिम तारीख को कर रहा है, तो पहली बार आरण करेगा जो 30 अप्रैल को करेगा, और अंतिम आरण करेगा तो वो 31 मार्च को करेगा। तो जो पहली बार आरण करेगा 30 अप्रैल को, तो आगे महीने कितने बच गए अपने? आगे 11 महीने बच गए, तो फिर कैसे निकालेंगे? 11 आ गया, प्लस में वो अंतिम आरण करेगा तो 31 मार्च को करेगा, अब 31 मार्च को करेगा तो आगे कोई महीना नहीं बचा, तो प्लस क्या महीने बचे? 0 बटे में 2, ये आ गया अपना 5.5। तो ये तीन सिचुएशन हो गया अपने। यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को आरण करे तो उसके कुल आरण पर 6.5 महीने का, मध्य में आरण करे तो 6 महीने का, और अंत में आरण करे तो 5.5 महीने का ब्याज आपको लगाना है। ये थी अपनी आरण पर ब्याज करने की औसत अवधि विधि। अब आरण पर ब्याज की तीन विधियाँ हो गई अपनी, सामान्य विधि, गुणनफल विधि और औसत अवधि विधि। आप सामान्य विधि और गुणनफल विधि का प्रयोग कभी भी कर सकते हो, लेकिन औसत अवधि विधि का प्रयोग उसी दशा में करना है जब कोई साझेदार आरण है वो प्रत्येक महीने करता है, या फिर एक ही तारीख को करता है और समान राशि से करता है, तो आप उसमें औसत अवधि विधि का प्रयोग कर सकते हो, अन्य किसी भी में भी औसत अवधि विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। और औसत अवधि का सूत्र क्या है? प्रथम आरण के पश्चात शेष महीनों की संख्या प्लस में अंतिम आरण के पश्चात शेष महीनों की संख्या बटे में 2। ये हमने देख लिया कि अगर कोई साझेदार प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को आरण करता है तो उसे प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को करेगा तो कुल महीने बच गए 12, प्लस में अंतिम आरण करेगा तो लास्ट महीने की पहली तारीख को तो एक महीना वो बच गया, बटे में 2, तो कुल आरण पर 6.5 महीने का ब्याज लगेगा। यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह के मध्य में आरण करता है तो प्रत्येक माह के मध्य में करता है तो आधा महीना बीता, आधे महीने के बाद बच गए अपने, यानी कि 15 अप्रैल को किया तो आगे टोटल महीने बच गए 11.5, अंत में आरण करेगा तो अंतिम महीने की मध्य में करेगा, आधा महीना वो बच गया, बटे में 2, इसमें आ गया कुल 6। यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह के अंतिम दिन करता है तो अंतिम दिन करेगा तो पहले महीने के अंतिम दिन किया तो कितने महीने बच गए? 11, और अंतिम महीने के अंतिम दिन किया तो आगे बच गए 0, बटे में 2, तो ये कितना आ गया? 5.5 माह का। तो कोई साझेदार प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को करता है 6.5 का, मध्य में करता है 6 का, अंत में करता है तो 5.5 महीने का ब्याज लगता है।
समझ गए, धन्यवाद।